जी हाँ दोस्तों, जहां रेमो डिसूजा को लेकर लगातार बुरी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब अच्छी खबरें सामने आ रही हैं कि वो जल्दी रिकवरी कर रहे हैं। उन्हीं से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताने वाले हैं, जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कपिल शर्मा शो में जब रेमो डिसूजा आए थे अपनी वाइफ संग, तो खूब मस्ती मजाक हुआ था। कपिल शर्मा ने अपने शो में पहुंचे सभी सेलिब्रिटीज़ की खिंचाई की, लेकिन रेमो की वाइफ के सामने वह पूजा भटवाला के साथ छोड़ने से नहीं चूके। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रेमो से पूछा कि हमने सुना है आप मुंबई सिर्फ पूजा भट्ट की वजह से आए थे। इतना कहकर कपिल शर्मा रुक जाते हैं। फिर क्या था, रेमो की वाइफ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा था और हमने कुछ और ही सुना, मैं तो सिर्फ पुनीत से बात कर रहा था। यानी उन्होंने तुरंत ही टॉपिक चेंज करने की कोशिश की, जब उन्होंने सोचा कि रेमो की वाइफ आई है, और ऐसे में अगर ये मामला सामने आता है तो फिर रेमो डिसूजा की तो वाट लग जाएगी। इसके बाद क्या था, रेमो पूजा भट्ट वाला किस्सा सुनाया और वह बताते हैं कि मैं पूजा भट्ट का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मैं अपने कमरे में उनका पोस्टर लगाकर रखता था। एक बार बहन आई और उसने चढ़ाना शुरू कर दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है पूजा भट्ट के पोस्टर लगाने का, क्योंकि तुम कभी भी उनसे नहीं मिल पाओगे। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या था, रेमो ने आगे बताया कि इसके बाद उनकी बहन ने उनको चैलेंज किया कि अगर वह पूजा भट्ट के साथ अपनी एक भी तस्वीर खिंचवाने में कामयाब रहे तो उन्हें उनकी फेवरेट चांदी की ब्रेसलेट देगी। इसके बाद क्या था, क्योंकि रेमो ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया, फिर रेमो मुंबई आए और उन्होंने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। यानी उनका सीधा लक्ष्य था पूजा भट्ट से मिलना और उनके साथ तस्वीर खिंचवाना, तो उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। रेमो ने बताया कि करीब एक साल के संघर्ष के बाद उन्हें पूजा भट्ट के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाने का मौका मिला। इसके बाद क्या था, रेमो ने वह फ़ोटो अपनी बहन को दिखाई और तब उन्हें गिफ्ट में चांदी का ब्रेसलेट जो मिला था। जी हाँ दोस्तों, रेमो डिसूजा की इंटरेस्टिंग खबर सुन के आप सभी को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।